यार वसूली, मैं नू सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी ले ही लूं। जाके छत ऐसा करके खुले और जाके दरवाजे ऐसे। अरे आइडिया तो बढ़िया है भाऊ, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो पीछे ही बैठना है। पर यार दिक्कत एक है पंडित, हमको तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। शनि तो अपने चौथे घर में बैठा, आप ले लीजिए। अरे यार पंडित, बात शनि की ना है, बात है उन राहु केतु की जो अंदर बैठे। राहु केतु? अरे भाऊ घर में नए किरादार आ गए, अपुन को पता ही नहीं है, अभी एंट्री करता है उसकी अपुन। अरे यार वसूली चुप कर। अरे यार मैं भैया बख्तावर की बात कर रहा हूँ। अब एक बात बता, अगर हमें गाड़ी लेनी है तो वहाँ के लिए पैसा चाहिए? अरे भैया पैसा देने से गए यार। एक नौकरानी ने बनाया मालिक के साथ MMS, ऐठे 80 लाख रुपए। बताइए कैसा जमाना आ गया है, किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो यू है हमारा मिशन खुली कार, अब हम घर जाएंगे और भैया को बनाएंगे MMS और उनसे लेंगे पैसा। मस्त आइडिया भैया जी। पर भाऊ रसीलू भाऊ का MMS बनाएंगे कैसे, वो तो रंडवे हैं। आ रहा है वसूली, इसमें साथ देगी हमारा ये लीली। ये कहाँ है? अरे पंडा, चार इंच की हील पहन के आई गांव में छोरी, 6 फुट की कद काठी उसकी टांगे गोरी गोरी। मटक मटक के ना यू चल, 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 मटक मटक के ना यू। आप कौन? मैं लीली, लीली सिसोदिया। मैं ना जनगणना विभाग से आई हूँ और मेरे को ये जानना है कि आपके घर में सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स? क्या कहा आपने, सेक्स? शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। हेलो, क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ लीली जी? ताता, हुआ क्या? मेरा ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप? अब अकेले कैसे रहूंगी मैं? मैं मर जाऊंगी ऐसे। अरे लीली जी, आपका ब्रेकअप हुआ है या ऑक्सीजन की पाइपलाइन टूट गई है जो मर जाओगी हैं? बख्तावर मालिक, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात कर रहा है? मेहमान? अरे मालिक ये तो गिनती गिनने आई थी। गिनती गिनने आई थी लेकिन अब यू हमारे घर की मेहमान है, जब तक काम पूरा ना हो जाता यहीं रहेंगी वो। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, क्या मुझे इस घर में एक कोना मिलेगा जहाँ मैं चैन से रो सकूं? अरे अरे अरे, बख्तावर कमरे में लेके जाए ना। लाओ मालिक। सामान है यो। गलती होगी मालिक। सम्मान के साथ लेके जाओ। हाँ हाँ मालिक। जाओ। आइए आइए, आपका तो घर है। आइए महारानी जी, आपका ही तो घर है, आइए। मालिक, राम 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 राम। ठीक हो? और बताओ भैया है क्या हाल है भैया? बढ़िया हाल है, तू बता। अरे भाऊ अपने को इधर कुछ स्मेल आ रही है। लड़की आई है ना कोई भैया? लड़की? कौन सी लड़की है ना बख्तावर, आई है ना कोई लड़की? आई है। हाँ मालिक आई है लड़की। कहाँ लड़की, कहाँ है, कौन सी लड़की?
अरे मालिक वही जो सुबह आपके सपने में आई थी। सपने में आई थी लड़की? ना 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 ना, सपने वाली ना है, जिसकी खुशबू आ रही है। अरे खुशबू खुशबू यहाँ से आ रही है देख। भैया साड़े मत बनो, बता रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, झूठ बोल रहे हो मुझसे तुम। अरे कोई गड़बड़ ना, कोई लड़की है ही ना यार, पागल बन रहा हूँ और इन्हें भी पागल बना रहा हूँ तू। है ही नहीं लड़की कोई। हाँ है ही ना कोई लड़की। कुछ तो गड़बड़ है। बच गए आप, मैं तो पूरा घेर लिया था आपको इन्होंने। अरे तुम मेरी तरफ से, उसकी तरफ से। मालिक आप मुझ पर शक कर रहे हो? हम जान देते कि मालिक हम हाथ काट रहे हैं अपना। अरे बिस्कुट है। हाँ ये तो बिस्कुट है। अरे मालिक हम तो मीठा मजाक कर रहे थे, खाइए खाइए खाइए। तो लड़की की एंट्री हो गया घर में, अब बनेगा भैया का एमएमएस और पैसा ही पैसा होगा पंडित। भैया जी हमारे पास भी एक तरकीब है पैसा कमाने के लिए। का ऑक्टा एफएक्स, ये एक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, जब आपके स्टॉक लो रेट के हो तो आप खरीद लो, जब आपके स्टॉक हाई रेट के हो तो आप बेच दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और एक और बात बोले भैया जी, ये एक ट्रांसपेरेंट ऐप है, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में या ई वॉलेट में जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। पर स्टॉक कहाँ है? ये आपके सोने की चेन है ना भैया जी, और ये इसकी सोने की चेन, दोनों स्टॉक है, बोलो तो लगा देते हैं। और पंडित जी तो सही है, पर भैया का एमएमएस बनाएंगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा। ये बात भी है भैया जी। अरे भाव लेकिन उसके लिए लीली को वहां से निकालना पड़ेगा ना। अरे चलो यार, लीली तो आएगी जब मैं जाऊंगा। अरे भाव माइंड है जुगाड़ू है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। अरे लीली जी मर गई क्या? अरे ये तो जिंदा है। लीली जी ठीक हो अब? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ही बताइए मेरी क्या गलती थी, यही कि मैंने सच्चा प्यार किया अपने गुड्डू से। लेकिन गुड्डू तो ऐसा नहीं था, सबका अपना अपना गुड्डू होता है। अरे कहाँ सुन रही हो इसकी बात अन्ने, मुझे में देखो अपना गुड्डू। पर कैसे है? एक बार देखो तो सही। अरे आप में तो मेरा गुड्डू नजर आ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका गुड्डू भी गंजा था क्या? हाँ? आपको कैसे पता? क्योंकि इनमें और गुड्डू में बस यही तो एक कौन है। मेरी और गुड्डू की मार भी बहुत कॉमन है बक्तावर। गलती हो गई मालिक, मैं तो आपके प्यार में भूल ही गई कि मेरा सर चकरा रहा है, क्या मैं थोड़ा आराम कर लूं मेरे गुड्डू? अरे बक्तावर आराम करवाए ना। हाँ मालिक। मटक मटक के ना यू चल, मटक मटक के ना यू चल, मटक मटक के ना यू चल, मटक मटक के ना यू, मटक मटक के ना यू चल, मटक मटक के ना यू। कुछ काम हो तो बता देना। अरे जा बक्तावर, कोई काम ना है। लीलू भैया? कौन लीलू? मैं तो लीली हूँ, लीली सिसोदिया, जिसे चाह उसे भिगो दिया। हम सब समझ गए लीलू भैया, आप लीलू भैया हो, आप कुछ कांड करने वाले हो, हम जा रहे हैं उस लीलू भैया को बताने के लिए। अरे बक्तावर! मालिक आप? अरे यार बक्तावर देख, वो नई गाड़ी खरीदनी है, और भैया वो पैसा ना देते, ये हमारे मेरे सब ड्रामा करा बक्तावर यार, मान जा। पर मालिक ये गलत है। अरे कुछ गलत ना है बक्तावर, गलत तो तेरी गैल हो रहा है। अरे भैया को भी ना हो तो तेरा भी ना हो दे रहे। अरे एक बात बता, तू कहीं बाहर जा घूमने? कहाँ गए मालिक? तेरी कोई उमंग है? उमंग नहीं है। तू काई चीज की डिमांड करे? नहीं। बता तू मुझे। बात तो सही है पर मालिक हम रसीलू भैया को धोखा नहीं दे सकते। अरे बक्तावर सब सही है, गीता में लिखा है जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। और बक्तावर यू भी लिखा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड
बहुत। और सुन, मैं ना डर तो काई सूबी, जा बोल दे भैया स्कूल। नीलू भैया, वो गीता में कृष्ण जी अंग्रेजी भी बोलते थे क्या? और ये हुए हनुमान जी राम जी सुवाले। अब क्या होगा? अब होएगी राम जी की गंगा मैली और अब बनेगा भैया जी एसएमएस। अरे यार पंडित, हरा बिड़ू एसएमएस नहीं, एमएमएस, एमएमएस। हाँ एमएमएस। चलो आइए लीली जी, आइए संभाल के गिर मत जाइएगा, कहीं मोच ना आ जाए आपको। अरे लीली जी, तबीयत ठीक है आपकी? अब बिल्कुल ठीक है। आइए बैठिए, जूस पीजिए। या धानी हो मुझे प्यार न करियो, मैं कुत्ता हूँ, काट जाऊंगा वनीला। अरे क्या हुआ लीली जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, छोरी का रिश्ता पेंडिंग चल रहा है। अरे क्या हुआ, मेरा दिल में दर्द हो रहा है। हार्ट अटैक? अरे मालिक, हार्ट अटैक तो अब आपको आएगा। हैं? कुछ नहीं मालिक, हार्ट अटैक आया है उनको, हार्ट अटैक, देखो दर्द हो रहा है उनको। बक्तावर देखने ले जा। आइए लीली जी, हम आपको झंडू बाम लगा देते हैं, आइए आइए जल्दी आइए। मारी गली के बुड्ढे सारे तेरे पीछे हो गए बावड़े, दो स्टेप लगाने को डीजे पे और एक गति उतावड़े। मारी गली के बुड्ढे सारे तेरे पीछे हो गए बावड़े, दो स्टेप लगाने को डीजे पे और एक गति। अरे छोड़ छोड़, आज मुर्गा फंस गया, अब लंगे पैसा। चल 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 चल। ओ ठरकी भैया, इनके को देख। अरे काय को चीख रहा हो तू? मैं कहाँ चीख रहा हूँ, चीख तो तुम्हारी निकलेंगी अब। अरे पिटने का मन से आया हो दिखे। एक तो घर में छोरी, ऊपर से सीना जोरी, घर में रखे पराई औरत, और बाकी गाल कर रहे रंग रंग लिया है, है? मैं पिटूंगा। अरे साफ साफ बोल क्या कह रहा हो। साफ साफ तो तुम्हें फोटो दिखाऊंगा, दिखा पंडित। देखो इसमें क्या देखूं? अरे यू देखा यू। अरे इन दोनों ने तो रोज ही देखूं मैं। है? है? ऐसे करूंगा ब्लैकमेल भैया। अरे ऐसा तो कभी पैसा ना निकले हम पे। अरे मालिक बच गए आप, नहीं तो कच्चा पार देते आपका। चल बहुत हो गए सब ड्रामे, अब होगा मर्डर। मर्डर? और फिर आ गई पुलिस। पुलिस? बहुत मजबूत उंगलियां है मालिक आपकी। मटक मटक के ना यू चल, मटक मटक के ना यू चल, मटक मटक के ना यू। रसीलू जी। हाँ जी। चाय लेंगे? चाय ना जी, मैं तो दूध पीता हूँ। दिमाग फिर भी नहीं बढ़ता है? चलो ठीक है, मैं आपके लिए दूध ले आऊंगी। बक्तावर आप क्या लेंगे? अरे हम क्या पिएंगे, हम तो गम के आंसू पी रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या? कुछ नहीं मालिक, हम तो सोच रहे थे कि अब आपकी जिंदगी में क्या आगे होगा। अब होएगा ड्रामा। अरे चक्कू किसने मार दिया? बक्तावर। अरे मालिक ये क्या किया आपने? अरे मैं चाकू आपके हाथ में है और चाकू पर लगा है खून, इसका मतलब खून आप ही ने किया है मालिक, आप ही ने किया है। मैंने ना किया बक्तावर, समझ तो सही। अरे मालिक इससे पहले कोई आ जाए जल्दी से लड़की को गायब कर दो, कर दो गायब। लाश कहाँ है? लाश कहाँ है मालिक? लगा दो कुंडी। अरे भैया बाहर पुलिस खड़ी है, क्या होगा? पुलिस? बक्तावर? हाँ मालिक। अभी तो मर्डर हुआ है, इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ सके? तुम्हारा खेल खत्म, यू आर अंडर अरेस्ट ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर मिस्टर रसीलू। पर मैंने तो यार कोई लौंडी आई ना मारी, बताना बक्तावर। क्या बताए मालिक हम। अरे भैया इंस्पेक्टर साहब ने लड़की का तो नाम लिया ही ना। मतलब कि केस सोल्व, कातिल ने खुद कबूल लिया। चलो भाई थाने चलना पड़ेगा। अरे लीलू ऐसा समझा यार। भैया तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ, वो भरोसा करो। इंस्पेक्टर सॉरी, इंस्पेक्टर सॉरी।
भैया फिकर मत करो, मैंने बात सेट कर ली है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या 20 लाख रुपए देने काम सेट है। अरे 20 लाख ज्यादा ना, 20 लाख। अरे भैया जान बचाओ, 20 लाख की पड़ दी तुम्हें। करो 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 इंगे। 20 20 20। अब तुम्हारा खेल खत्म। You are under arrest for the charges of murder, Mr. Rasilu. मालिक, खून एक और पुलिस वाले दो दो। अरे रसीलू भैया, ये इंस्पेक्टर साहब आपको पता कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। भैया लगे है ना सब जगह खबर फैल गई, मैं अभी बात करके आ रहा हूँ। तू पागल होगा, पुलिस वाला क्यों ले आया? पुलिस तो मैं लेके आ रहा हूँ, मरवा दियो। भैया बात डन, या भी 20 लाख देन। अब चेक 40 लाख को बनाओ, या बनाओ जल्दी। 40 तो बहुत ज्यादा है, जान कीमती ज्यादा है, जल्दी साइन करो। अरे डट जा ससुर के, डट जा। हारा खेल खत्म, फिनिश। यू आर अंडर अटेस्ट ऑन द चार्जर ऑफ कत्ल। अरे भाऊ ये इंस्पेक्टर साहब आपको खोज रहे थे। अभी बात करके आ रहा हूँ। साठ? हाँ भैया 60। भरो भैया भरो, भैया भरो, भर दो मालिक। अरे माइंड है जुगाड़ू, है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। अरे माइंड है जुगाड़ू, है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। क्या करें मजबूरी है, लाइफ स्टाइल जरूरी है, किस्मत के लेंटर लगे पड़े पर शोशे। मैं यूं सोच रहा है 60 लाख रुपए देने से बढ़िया ऐसा करूं 60 रुपया की गोली है, 3 मर्डर और सही। हाँ भाई चप्पल वाली पंजाब पुलिस, और भाई कोतवाल साहब मेले वाली बंदूक लेके आए हैं, हरियाणा पुलिस। अरे बेल्ट कमर में बांधे करे कंधे पे ना, मार दो मालिक, मार दो गोली। और लीली तू? भैया लीली मर गई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भैया, डर गए मारो। हमको जान पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के, हमको जान पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगा के। आ जाओ छाड़ो, तुम्हें तो 60 लाख रुपए। जी जी मैं जनगणना विभाग से आई हूँ, वो आपका सेक्स रेशो जानना था। सेक्स? देखा दोस्तों आपने, रसीलू भाई ने मेरी हेल्प ना करी ना, तो मैंने खुद जुगाड़ कर लिया। देखो ओक्टा एफएक्स को कमाए मैंने पूरे $1161। ठीक है भाई साहब, तो आप यार ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लो, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो यार जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, तो जल्दी से जाओ ऐप डाउनलोड करो, और लव यू यार। मटक मटक के ना ये चल, मटक मटक।